गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सोनाली काकू कह रही होंगी अश्विनी से कि आज मैं ओमकार के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाने चाहती हूँ। तभी वहाँ पर भवानी आ जाएंगी हॉल में और कहेगी कि मुझे अच्छे से पता है सोनाली, तुम आज ओमकार के लिए स्पेशल खाना क्यों बनाना चाहती हो, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है ना। सोनाली ये बात सुनकर थोड़ा शर्मा जाएगी और करिश्मा से कहेगी कि आज वैलेंटाइंस डे है। करिश्मा कहेगी हाँ आई, आपको नहीं पता। तभी भवानी कहेगी ठीक है ओमकार के लिए कुछ खास बना लो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई कॉलेज से घर वापस आ जाती है और हर कोई उसके हाथ में फूल देख करके बहुत सरप्राइज होते हैं जो विराट ने दिए होते हैं। तभी वहां पर सई का फोन बजता है और उसे कॉलेज की तरफ से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जब विराट आपको फूल दे रहा होता था तब कॉलेज स्टूडेंट ने आपकी तस्वीर ली थी और व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट की है और सई को वो पिक्चर मिल जाती है। सई अपने हाथ में फ़ोन पकड़ती है और उस पिक्चर को देखती है। तभी अश्विनी उसके पास आ जाती है, तब सई रूम में फ़ोटो देखते देखते चली जाती है और सई से कहती है अश्विनी वाओ बहुत ही अच्छे फूल हैं। सई कहती है कि है ना, थैंक यू, मुझे विराट सर ने दिए थे मेरे कॉलेज में। अश्विनी कहती है हाँ सच में? तो सई कहती है देखिए आई, मेरी और विराट सर की पिक्चर हमारे कॉलेज में ली थी। सई कि ये पिक्चर देखकर अश्विनी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब मुझे कॉलेज का कुछ काम करना है, मैं तभी अब काम कर लेती हूँ। तो अश्विनी कहती है कि सही ये जो तस्वीर है तो प्लीज़ मुझे देना, मेरे फ़ोन में भी सेंड कर। और अश्विनी बाद में उस फोटो को निहारती किचन में चली जाती है। और तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अश्विनी सई से फ़ोटो मांगने के बाद बहुत खुश हो जाती है। अश्विनी साथ ही सई से ये भी कहती है कि सई मैं ये पूछ रही हूँ कि तू विराट के साथ लद्दाख क्यों नहीं जाना चाहती। सई कहती है मेरी पढ़ाई है। अश्विनी कहती है सुन, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तू एक दो दिन के लिए लद्दाख चली जाएगी तो तेरी पढ़ाई में ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा। सई अश्विनी की बात पर गौर करने की बात कहती है। अश्विनी जैसे ही किचन में आ जाती है वो कुछ बना रही होती है, पत्रलेखा भी किचन में मौजूद होती है। तभी अचानक से अश्विनी का हाथ जल जाता है गैस तेज़ हो जाने की वजह से और तभी पाकी से वो कहती है कि प्लीज़ तुम देखो ये क्या हो गया। पाकी जैसे ही मदद के लिए आती है उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ती है जो अश्विनी अपने फ़ोन में देख रही होती है जिसमें विराट सई को गुलाब दे रहा होता है और ये देख कर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ही अपसेट हो जाती है। सई की और विराट की तस्वीर देखकर जिस तरीके से पाखी रिएक्ट करती है उसे देखकर अश्विनी कहती है पाखी प्लीज़ तुम विराट और सई के बारे मत सोचो, तुम सम्राट के लिए भगवान से दुआ करो। ये सुनकर पाखी किचन छोड़कर चली जाती है। कुछ टाइम बाद विराट भी घर आता है और अपने साथ ढेर सारे फूल लाता है और यहाँ पर सई और पाखी विराट के हाथों में फूल देकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भवानी पूछती है कि तुम इतने सारे फूल और मिठाइयाँ किसके लिए लाए हो। तो करिश्मा कहती है काकू आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो इसीलिए दादा फूल लाए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट कहेगा कि नहीं मैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन मैं अपने पूरे परिवार को कुछ स्पेशल फील कराना चाहता हूँ, इसलिए वो सबसे पहले फूल देने की शुरुआत भवानी से करता है, फिर अश्विनी को देता है, फिर सलोनी को देता है, ओमकार को देता है और एक एक करके घर के सभी मेंबर्स को वो देता है। जैसे ही पाखी की बारी आने वाली होती है पाखी हॉल छोड़कर अंदर चली जाती है। विराट हर किसी को घर के हर एक मेंबर को वो फूल देता है, लेकिन जैसे ही विराट पाखी के करीब आने वाला होता है पाखी उससे इग्नोर करके चली जाती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन विराट उसे फूल देने के लिए पीछे पीछे जाता है। तब वहाँ पर पाखी कहती है कि विराट मुझे अच्छे से पता है तुम ये फूल मुझे क्यों देना चाहते हो, तुमने सई को फूल दिए हैं इसीलिए उसे कवर अप करने के लिए तुम मुझे फूल दे रहे हो ना। विराट कहता है कि ये तुम क्यों कह रही हो सई, पाखी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और वो फूल तो मुझे सई के कॉलेज में उसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती देने को कहा था। पाखी कहती है कम ऑन विराट, कम से कम कोई बहाना तो अच्छा बना लेते, लेकिन खैर मुझे ये तुमसे फूल नहीं चाहिए। यहाँ पर बार बार विराट पाखी को यही समझाने की कोशिश करता है जिस तरीके से तुम सही और मेरे बारे में सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाखी विराट की एक बात नहीं सुनती और कहती है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारा कोई फ्लावर नहीं चाहिए। लेकिन फिर फाइनली विराट कन्विंस कर लेता है पाखी को और उसे फूल देने के लिए मना लेता है और पाखी भी उससे फूल ले लेती है। लेकिन जैसे ही पाखी फूल और मिठाई उससे लेती है तभी वहाँ पर सई आ जाती है और इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। जैसे ही विराट कमरे में जाएगा वो सई को फूल देगा और सई वो फूल देकर के कहेगी
तो फाइनली आपने पाखी दीदी को फूल दे ही दिया है ना। तो विराट कहेगा कि मैंने सिर्फ पाखी को नहीं बल्कि घर के हर एक मेंबर को दिया है, क्योंकि वो मेरी पूरी फैमिली है, और ये लो तुम्हारे लिए फूल। तो सई कहती है कि नहीं, सबको आपने एक एक फूल नहीं दिया, मुझे तो दो बार मिले हैं। विराट बहुत खुश हो जाता है और सई उसके हाथ से खुशी खुशी वो एक फूल भी ले लेती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट साथ में कैंडीज और स्वीट्स लाता है जो सई को देता है और फिर कहता है मेरे पास एक और चॉकलेट है। सई बहुत खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, वो कहती है कि अब वाकई में सच में? तो विराट कहता है हाँ, लेकिन नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो देवी ताई के लिए है। तभी वहाँ पर देवी आ जाती है और चॉकलेट्स और फ्लैट देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। देवी विराट के पास जाती है, कान में उसे कहती है कि जो सई है ना, तेरी जो बाइको है वो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही प्यारी है और वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, सई एकदम बेस्ट है। विराट सई की तरफ देखता है और कहता है कि हो आई हो तई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि घरवाले विराट के हाथ से फूल लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हर कोई यही सोचेंगे कि विराट कितना अच्छा है, वो कितना स्वीट पर्सन है, कितना स्वीट लड़का है कि वो घर के एक एक सदस्य के बारे में इतना सोचता है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अगली रिपोर्ट में। We'll be right back.